कोई भी लड़का हो, मतलब कैसा भी हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, कैसा भी हो या फिर डिवोर्सी हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो मेरा ख्याल रखा, मेरी बच्ची का भी ख्याल रखे। अच्छा, मतलब डिवोर्सी भी चलेगा, चाहे लंगड़ा हो या कोई भी, अपाहिज भी हो तब भी आप मतलब शादी कर सके मेरी बेटी को भी देख सके। यही है क्या? यही है। हाँ जी अंकल जी, आप ही हो सुरेश? हाँ जी। अच्छा, आप ही गार्ड की नौकरी करते हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कांटेक्ट आपने किया था हमें, मैसेज वैसेज आपने किया था? आपको किया था मैंने। अच्छा, हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम थी अंकल? अभी बताओ। हाँ, क्या हो गया था अंकल जी, बताइए कैसे परेशान है आप? बहुत दुखी हूँ बेटा मैं। क्या हो गया बताओ? रहते कहाँ हो आप? कौन से? रहता ही झुग्गी में रहता हूँ। अच्छा, ये आपकी झुग्गी? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ था? पिछले साल मेरा जवान बेटा गुजर गया जी। बहू मेरे साथ में रहती है। बहू कहाँ है? बहू को बोलो। रिम्पा बेटा। अच्छा, ये इधर ही रहती हैं आप? वैसा ही कहते हैं। छोटा सा बच्चा भी है इसका। अच्छा, छोटा बच्चा भी है। हाँ। अच्छा, और तो आपका ये आपका ही बच्चा है? हाँ जी, मेरी। तो मेरी क्या हो गया था, मतलब आपके ससुर ने मैसेज किया था कि मतलब आपको काफी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है शादी वादी, मतलब जो है आप शादी करना चाहते हैं दूसरी, क्या हो गया था अंकल जी बताइए? बेटा बता तो रहा हूँ, पिछले साल मेरा जवान बेटा गुजर गया। पिछले साल? हाँ, बीमार में, बीमार हो गया था। बीमार हो गया था? बहुत इलाज कराया सरकारी अस्पतालों में। अच्छा अच्छा, कहीं कुछ उसका इलाज नहीं हो पाया। तो आपने ये बोला था कि मतलब मुझे अपने बहू की शादी करवानी है तो कुछ क्या करूँ बेटा? तो मैं अभी तो इनका एक बच्चा भी है, बच्चा भी है, 7,000 की मैं नौकरी करता हूँ। लेकिन भैया मजबूरी भी है ना, फिर भैया अभी अच्छा। इतना अफोर्ड कर नहीं पाते। अच्छा, मैं भी छोटा मोटा सिलाई मुझे आती है, मैं भी छोटा मोटा देख लेती हूँ। अच्छा, थोड़ी सिलाई वगैरह करती हैं आप? हाँ भैया, मैं सिलाई कर लेती हूँ, घर अच्छा। का गुजारा नहीं बच्चा चल पाता। कितने महीने का है ये? 7 महीने की है। 7 महीने की है। हाँ। अच्छा, तो मतलब कैसे एक्सपायर कैसे हुआ हस्बैंड? उनकी काफी टाइम से तबीयत खराब चल रही थी, बहुत इलाज भी करवाया। अच्छा, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ना इलाज नहीं हो पाया ढंग से, उन्होंने बोला कि प्राइवेट से इलाज करवाओ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम प्राइवेट में इलाज करवा। आपको मतलब यहाँ पे अंकल आप बोल रहे थे कि मतलब जो है यहाँ पे किराया भी देना होता है झुग्गी का, और आप इसको मतलब अपनी बहू को जो है खाना पीना नहीं दे पा रहे, मतलब रख नहीं पा रहे बेटा जी। 7,000 रूपए मेरी सैलरी है। अच्छा, उसमें 2,000 रूपए किराया चला जाता है बिजली बिल मिला के। अच्छा अच्छा, 5,000 में मैं खुद क्या खाऊंगा? तो ये एग्री है, आप एग्री हो? मतलब जब इन्होंने बोला था कि हमें एक्चुअली हम वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, तो हमें इन्होंने मैसेज किया था कि मेरी जो है ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरी बहू है और उसको है ना मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इसलिए तो आप मतलब एग्री हैं, आप करना चाहती हैं? पहले तो भैया ये था कि मैं एग्री नहीं थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी और से मैं शादी करूं, लेकिन जी जी जी। फिर जैसे प्रॉब्लम मैंने भी समझी, फिर बाबूजी ने भी मुझे समझाया कि बेटा देख ये तो करना पड़ेगा क्योंकि अच्छा। आगे तेरा बच्चा भी है अच्छा। जो उसे भी देखना है अच्छा। और अकेले तू कैसे संभालेगी, अब मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ, यही सब चीजें उन्होंने मुझे समझाई, तो मैं भी एग्री हूँ फिर इस चीज के लिए। अच्छा, कि कोई मुझे देखे तो मेरे साथ साथ मेरे बच्चे को भी देख ले। अच्छा, तो ये मतलब अब एक चीज बताओ, आपके बच्चा भी है तो कौन मतलब शादी अंकल ऐसे थोड़ी ना कोई किसे कर लेता है बेटा जी। तो, मेरी जिंदगी तो खत्म है अब जी, मैं तो चिंता इस बच्चे की कर रहा हूँ कि ये अच्छा। बच्चा कहीं। मतलब ये शिल्पा नाम है इनका? रिम्पा। रिम्पा। सो गाइज, ये रिम्पा है इनका नाम, और मतलब इनके जो है अभी 1 साल पहले इनका हस्बैंड जो है एक्सपायर हो गया, और इनका मतलब शादी इनको करनी है, मतलब अपना घर बसाना है एक तरीके से, क्योंकि अंकल जी भी 7,000 की जॉब करते हैं, ज्यादा मतलब इनकी कमाई भी नहीं है। कहाँ? सिक्योरिटी गार्ड में करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड में करता हूँ बेटा। अच्छा, कहाँ पे करते हैं? मतलब ये पास में बिल्डिंग बनी है, यहीं पर है। अच्छा, यहीं पे करते हैं। हाँ, और अच्छा। रात को अगर ओवर टाइम मिल जाए तो एटीएम में कर लेता हूँ। रात को एटीएम में भी जाते हैं आप? अच्छा, आपको मतलब सिलाई आती है? इनको मतलब इनको सिलाई आती है? एज क्या है आपकी? उम्र बता दीजिए। मेरी 22 है। 22 उम्र है इनकी, 22 साल की उम्र है, और बच्ची 7 महीने की बच्ची है। अगर कोई भाई मतलब हो, अगर मतलब कोई डिवोर्स हो तो मतलब आपसे कर सकता है अगर डिवोर्स ही है कोई बंदा? अब ऐसे कोई तो मतलब देखो वैसे तो कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि देखो सबको पता है, और अगर वही है कि जिसका डिवोर्स हो जाता है वही सोचता है कि हाँ चलो दूसरा एक घर बसाएगा। बेटा ऐसा है ना कि डिवोर्स ही तो चल जाएगा, तलाकशुदा चल जाएगा, मेन है कि दोनों सुखी रहे। ख्याल रखने वाला हो, ऐसा ना हो कि आज शादी की और कल छोड़ दिया। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, देखो क्योंकि एक तो पहले से ही हम दुखी हैं। अब आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, अंकल जी ने जो है हम पे मैसेज किया है वीडियो के लिए कि आओ इधर मेरे मतलब जो है प्रॉब्लम को सबको बताओ, पब्लिक में बताओ, एक सोशल मीडिया पे डालो, ठीक है, तो ज्यादा ही दुखी हो जब भी, तो आपने ये स्टैंड लिया है ना? हाँ जी। अभी क्योंकि भैया बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बीच में सिलाई मैं करती थी, एक कंपनी में मैं जॉब करती थी, सिलाई की जॉब करती थी, लेकिन बीच में
अभी उस कंपनी का काम ना थोड़ा स्लो चल रहा था, तो वहाँ से जॉब तो से आप निकाल मतलब यहाँ पे गुजारा कैसे होता है छोटी सी झुग्गी में देखना, मतलब इसी में इनका रहना है और यहीं से मतलब जो है सिलाई घर में सिलाई करती है, थोड़े बहुत कपड़े वपड़े सिलती है, और ये अंकल जी जो है मतलब गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, मतलब कैसे अंकल कैसे कर पा रहे हो आप बेटा ये गुजारा तो कर, इतना दुख होने के बावजूद गुजारा तो बेटा करना है, जिसका जवान बेटा जाता है देखो आपका जवान बेटा वो है। बात आपकी सही और है, ये बेचारी अभी बच्चे देख बच्ची है, बस मासूम बच्ची है, इनकी चिंता मेरे को खाई जा रही है दोनों की, भैया दोनों सेटल हो जाए अपनी जिंदगी संवार ले। इसी की शक्ल देख के मुझे भी मजबूरन भैया ये कदम उठाना पड़ेगा। अच्छा तो मतलब आप मतलब एग्री है मतलब है? आप मतलब एग्री है ना दूसरी शादी के लिए, लेकिन लड़का ऐसा हो जो आपको मतलब जो है लड़का अच्छा होना चाहिए। सो गाइस ये रिम्पा है, इनका नाम 22 साल उम्र है, और मैं आपको जो है एड्रेस वगैरह वो लिंक में डाल दूंगा। तो अगर कोई भाई हो मतलब कोई डिवोर्स मतलब डिवोर्स ही अगर हो लेकिन अच्छा हो, ये नहीं कि मतलब इनको वैसे वैसे टेंशन में कोई आए शादी करे और मतलब छोड़ के फिर चले जाए, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि मतलब वो बंदे मैसेज करें ही ना। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, पढ़ी लिखी हैं आप थोड़ी बहुत या नहीं है? जी भैया मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ वैसे तो। ग्रेजुएट हाँ, मुझे सिलाई वगैरह भी आती है, थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह का भी आता है मुझे। अच्छा अच्छा। मैं अभी फिलहाल में मैं जॉब करती थी लेकिन अभी वहाँ से जॉब से हटा दिया है। जी अंकल ये तो अच्छे घर की है, ऐसी बात नहीं, पढ़ी लिखी है अच्छे घर की है। आपका साथ दे रही है, आपके साथ रह रही है, साथ दे रही है, लेकिन मैं बना रही है, लेकिन मैं खाना नहीं खिला सकता ना, पाल नहीं सकता बच्ची को। अच्छा पाल नहीं पा रहे हैं आप बच्चे, कहाँ से पालो बेटा? आगे चल के भैया इसका स्कूल का खर्चा भी है, इसलिए बहुत मतलब बहुत दिक्कत चल रही है अभी। अच्छा ज्यादा मतलब प्रॉब्लम चल रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रही। कोई नहीं, मैं ना एक बार देखो अंकल मैं एक बार डाल देता हूँ वीडियो सोशल मीडिया पे, अगर कोई हो भाई, अगर भाई किसी को कोई किसी की शादी ना हो रही हो या किसी को करनी हो, ठीक है, कोई बंदा ठीक हो इनके मतलब जो है ये इतनी परेशान है, इनका कोई दुख बांट सके, जो देखभाल कर सके इस बच्चे का भी और इनका भी, तो प्लीज यार मैसेज जरूर करना। और ये जो है मैं इनका जो है एड्रेस वगैरह सब बता दूंगा, तो इधर आना और मिलना अंकल जी से बात करना, ठीक है। सुरेश अंकल जी हैं यहाँ पे, इनसे बात करना, अंकल आप लड़के से बात करना जो भी आए, ठीक है, उनको देखना और आप भी बात कर लेना, अगर आपको लगता है कि ठीक है लड़का तो ठीक है, अदरवाइज फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आप जा सकते हो, ठीक है अंकल जी, मैं ये वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है, डाल दीजिए, कोशिश कीजिएगा जो हो जाए जल्दी से। नहीं मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, अगर हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है बेटा, चलो भाई।